खबर गाजीपुर से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 1 जुलाई को सोमवार को शहीद वीर अब्दुल हमीद शहीद स्मारक माधोपुर दुल्लापुर में आयोजित पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि होंगे। वे परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के जन्म दिवस के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित डॉक्टर रामचंद्रन श्रीनिवास द्वारा लिखित पुस्तक मेरे पापा परमवीर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वे प्रसिद्ध सिद्धपीठ हथियाराम मठ पहुंचकर पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति श्री महाराज के सानिध्य में वहां भी अधिष्ठात्री देवी वृद्धम्बिका माता का पूजन अर्चना कर आशीर्वाद लेंगे। हथियाराम मठ के बाद वह काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। जी हाँ, किस तरह का कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, क्या कार्यक्रम है, कौन आने वाले, थोड़ा सा विस्तृत परिचय देने की बात करें। देखिए, ये वीर अब्दुल हमीद जो इस राष्ट्र के नायक के रूप में राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी ये जन्मस्थली भी है और उनके स्मृति में शहीद पार्क धामूपुर दुल्लापुर में यह निर्मित, यहाँ पर आगामी 1 जुलाई को वीर अब्दुल हमीद के जन्मदिन के अवसर पर पूजनीय सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का पदार्पण हो रहा है। उनके आने का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर वीर अब्दुल हमीद के ज्येष्ठ सुपुत्र जैनुल साहब के बातचीत पर आधारित मेरे पापा परमवीर एक ऐसी पुस्तक जिसके लेखक श्री रामाचंद्रन श्रीनिवासन जी, उस पुस्तक का लोकार्पण होना है। और पिछले हथियाराम मठ पे जब पूजनीय सर संचालक जी आए थे तो शहीद परिवार के लोगों को सम्मानित किए थे, उसी में उन्होंने आग्रह किया था कि मेरे यहाँ आने का। अक्सर लोग सोचते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो मुस्लिम समाज के विरोध में सोचता है, विरोध में कार्य करता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो लोग गहराई से जानते हैं समझते हैं उनको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण ही इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के उद्देश्य से हुआ है। और हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और जो भी जिस भी जाति धर्म का व्यक्ति जो राष्ट्र के नाम पर जिनका जीवन समर्पित है, जो लोग अपने प्राणों की आहुति दिए, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हमारे परम पूजनीय सर संघचालक जी यहाँ पर आ रहे हैं।